चलते हैं अगली खबर की ओर। फूड सप्लाई के इंस्पेक्टर ने अपने विभाग के डीएफसी कार्यालयों के सामने धरना दिया और कहा कि डीएफसी कार्यालय के सामने 1.5 साल से अधिक समय से धरना दे रहे हैं। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि हमें अपनी मांगों को लेकर चंडीगढ़ कार्यालय में धरना देते हुए लगभग 1.5 वर्ष हो गया है। हमारे साथ धक्केशाही की जा रही है, लेकिन कोई भी अधिकारी हमारी बात नहीं सुन रहा है, जिसके कारण आज हम दुखी हैं। और आज पंचायत के सभी फूड इंस्पेक्टरों ने अपने अपने विभाग के अधिकारियों के दरवाजे के सामने धरना दिया है, जिनमें उनकी मुख्य मांगे थी कि चौकीदारों को गोदामों से हटाया जाए और उनको दोबारा नियुक्त किया जाए। जो कि हमारी दूसरी मांग यह है कि हमारे डेटा कंप्यूटर ऑपरेटर हैं, उनका बकाया भुगतान अब तक नहीं मिला है, जिसके कारण आज हमें धरना देने के लिए मजबूर होना पड़ा है। कुछ मंगा ने जी, जो पिछले काफी समय तो लटक रही थी, उन्होंने मंगा नु मनवाउन लई असी पिछले लंबे समय तो सुना, मतलब बार बार मुख दफ्तर विखे मिन्नता कर रहे थे, रिक्वेस्ट कर रहे थे, पर वो एक साल बीत जाने तो बाद भी जो मंगा ना पूरी हुई, उस कारण करके सानू अज इस धरना देना। मंगा साडा एक कन्विंस अलाउंस है जी, जिहड़ा सरकार ने सानू दिता सीगा, पर पिछले एक साल तो उत्थे साडे GM फाइनांस जी ने उन्हां वल्लों बार बार वख वख तरां दे बेमतलब दे ऑब्जेक्शन ला के वह सानू नहीं दिता जा रहा। ना ही साडे एक डाटा एंट्री ऑपरेटर की पेमेंट है जी, वह भी पिछले एक साल तो भी लटकती आ रही है। उन्हां संबंधी कदे हदायतां दी कमी हो जाती है, कदे कुछ, वह भी पूरे 1.5 साल तो सानू नहीं जारी की गई। तो इस अलावा गोदामों में सिक्योरिटी गार्डां ते कट लगा दिता गया, फ्यूमिकेशन कवर नहीं उपलब्ध करवाए जा रहे महकमे वालों, तो दफ्तर सफाई सेवकों का जोड़ा सी सो चलता से वो बंद कर दिता गया। इस तरीके जख बखा सगिया उन्होंने बारे अभी बार बार जानू करवा रहे हैं, पर साड़ी कोई भी मंग वाल ध्यान नहीं दिता।